तो यार अब फाइनली अवतार द वे ऑफ वाटर रिलीज हो चुकी है थिएटर्स में, जिसके लिए मेरी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी। और होगी भी क्यों ना, ये जानते हुए कि इस मूवी में 2000 करोड़ से भी ज्यादा और 3 साल की मेहनत लगी है। यही नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशन भी इस मूवी से बहुत ज्यादा हाई थी, क्योंकि हाल ही में जेम्स कैमरन ने इंटरव्यू में ये तक कह दिया था कि अवेंजर्स एंडगेम के VFX उनकी अवतार द वे ऑफ वाटर के सामने कुछ भी नहीं है। तो सोचो जरा भाई लोग, अगर जेम्स कैमरन जैसे इतने बड़े डायरेक्टर इतनी कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे शब्द बोल दे तो कैसे एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशन नहीं होगी इस मूवी से। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या अवतार द वे ऑफ वाटर अवतार पार्ट 1 से भी अच्छी थी, और क्या ये 3 साल सही मायने में रंग लाई, जिसका आंसर मैं तुम लोग को आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम लोग मुझे सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना और हो सके तो शेयर भी। खैर तैयार, शुरू करते हैं इसकी स्टोरी की समरी से, जहां हमें दिखाया जाता है कि कैसे इन 13 सालों में जेक सली पैंडोरा का जंगल का मुखिया बनकर जंगलों को संभालता है। दूसरी तरफ नेटेरी के साथ घर बसाता है, जिसमें उसे खुद के 3 बच्चे और 2 अडॉप्टेड बच्चे रहते हैं। पर 13 सालों के बाद वापस से ह्यूमंस अटैक करते हैं पैंडोरा में अच्छी खासी सेना और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, जहां उनका मेन मोटिव रहता है कि वो पैंडोरा को इंसान के रहने लायक जगह बना सके। वहीं इंसान के बनाए हुए अवतार का मोटिव रहता है कि वो जेक सली के साथ साथ उसके फैमिली को भी मार सके। इसलिए जेक सली को अपनी फैमिली को बचाने के लिए गांव को छोड़ना पड़ता है और जाना पड़ता है तटवासियों की तरफ, जहां सली की फैमिली वहां के तौर तरीके सीखती है। अब देखो यारो, अगर यही दिखाना होता तो ये मूवी 3 घंटे 12 मिनट की नहीं होती। इसलिए ऑब्वियसली वहां पर भी इंसान अटैक कर देते हैं अपने बनाए हुए अवतार के साथ, जहां हमें आधे घंटे के एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं। तो यारो, इन शॉर्ट इस मूवी की स्टोरी ये है कि इंसान एक राक्षस है जो जहां भी जाते हैं सिर्फ तबाही मचाते हैं, जिस तबाही से जेक सली अपनी फैमिली और लोगों को कैसे बचाएगा, जिसके ऊपर आने वाली 3 मूवीज होंगी। हाँ, तुम लोग ने सही समझा कि ये मूवी कंप्लीट नहीं है, जिसके वजह से इसकी एंडिंग सेटिस्फाइंग नहीं रहती है, इसलिए बहुत लोगों को इसकी क्लाइमेक्स पसंद नहीं आ रही है। खैर तो यार, स्टोरी सिंपल है, जिसको हमें अच्छे से टान के दिखाया गया है, जो कि हमें फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों में ही फील होती है। चलो अब बात करते हैं कास्टिंग परफॉर्मेंस की, जो कि मुझे सबकी ही बहुत अच्छी लगी, इवन छोटे कैरेक्टर की भी, क्योंकि ऑब्वियसली उसे भी प्ले करने वाले बड़े एक्टर होते हैं। पर अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मुझे सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किसका लगा, तो मैं बोलूंगा नेचुरी को प्ले करने वाली एक्ट्रेस कमोरा। नहीं, वो तो मार्वल में थी ना, तो क्या नाम था, जोई सल्डाना। हाँ, जोई सल्डाना, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपने कैरेक्टर को प्ले किया है, मेरा मतलब है कि वो जंगलीपन और माँ का दर्द प्रति अपने बच्चों के लिए और साथ ही साथ अपनी जमीन के लिए, वो पूरी टाइम मूवी में फील होती है। चलो ये तो बात हो गई कास्टिंग परफॉर्मेंस के बारे में, अब बात करते हैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि थी CGI और सिनेमाटोग्राफी। तो भाई लोग, माँ कसम बता रहा हूँ, मैंने आज तक ऐसी 3D मूवी एक्सपीरियंस ही नहीं की थी 3D में। मतलब कि नॉर्मल 3D स्क्रीन में भी इतनी स्मूथली चल रही थी ये मूवी कि मेरी तारीफ ही नहीं रुक रही थी इस मूवी को देखकर। मतलब कि इतना सही CGI था कि हमें कहीं से भी फील नहीं होता है कि ये सब फेक है। मतलब कि जिस तरीके से हमें हर एक एक्सप्रेशन से कैरेक्टर को दिखाया जा रहा था अंडर वाटर, वो काबिल-ए-तारीफ था। इवन जो क्रिएचर्स रियल में एग्जिस्ट तक नहीं करते हैं, उससे अटैचमेंट फील करा देती है इसकी CGI। मैं तो फिर भी नॉर्मल 3D स्क्रीन में देखने गया था, क्योंकि मैं गरीब हूँ। लेकिन जो अपनी प्रॉपर्टी बेच के IMAX में इस मूवी को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, उनको ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आएगी इसके CGI की वजह से। खैर अगर बात करें BGM और म्यूजिक की, तो वो अपना काम ठीक ठाक करके चल जाती है, और हिंदी डबिंग भी इसके ठीक ठाक रहती है। ओवरऑल कहूँ इस मूवी के बारे में, तो ये मूवी अपना शुरुआत में टाइम लेती है, पर जब ये मूवी की स्टोरी पेस पकड़ती है तो ये मूवी को देखने का मजा ही कुछ और हो जाता है। और हाँ, मूवी हमें ये सिखाती है कि जन्म से पहले और मृत्यु के बाद ये पानी से हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटता है। तो यार क्वेश्चन अब ये है कि क्या ये मूवी अवतार पार्ट 1 से भी अच्छी थी, जिसका जवाब मैं देना चाहूंगा कि हाँ, ये काफी ज्यादा अच्छी थी। इवन हमें ये साफ साफ दिख रहा था कि इस मूवी में कितने सालों का मेहनत है, जो कि वर्थ इट तो हो गई भैया। तो यार ये मूवी मैं हर किसी को रिकमेंड करूंगा जिन्हें फैमिली, फ्रेंड या मजबूरी में अकेले जाना है। पर हाँ, ये जरूर बोलूंगा कि हो सके तो 3D में देखना, और वहीं अगर बात करूं IMAX में देखने की, तो चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है, लेकिन इसमें खर्चा इतना है ना कि असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो यारो, ये थी मेरी रिव्यू अवतार द वे ऑफ वाटर के ऊपर। तुमने इस मूवी को कहां देखा, किसमें देखा, और ये मूवी तुम्हें कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर तुम्हें हाल ही में आए सलामी की मूवी के ऊपर रिव्यू चाहिए, तो मेरी ये वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। और अगर तुम्हें मेरे सोशल मीडिया हैंडल का लिंक चाहिए, तो वो भी तुम्हें मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू सून, वंदे मातरम।